काजोल स्टारर वेब सीरीज द ट्रायल का हिस्सा रही एक्ट्रेस नूर मलाविका दास ने 6 जून को अपनी जान दे दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सुपरहिट वेब सीरीज में नूर ने अहम किरदार निभाया था। पुलिस ने मुंबई स्थित उनके घर से उनकी डेड बॉडी रिकवर की है। उनके पड़ोसियों ने घर से अजीब से स्मेल आने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर उन्हें नूर की डेड बॉडी मिली। नूर का घर मुंबई के लोखंडवाला में स्थित है। नूर की उम्र 32 साल थी और वह असम से थी। एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने कतर एयरवेज में बतौर एयर होस्टेस का काम किया था। द ट्रायल के अलावा नूर सिसकियां, वॉकमैन, तीखी चटनी, जघन्य अपराध, चरम सुख, देखी अनदेखी और बैक रोड जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया था। नूर का यूं अचानक चला जाना उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ऑल इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले की अच्छी तरह से पड़ताल करने को कहा है। एसोसिएशन का कहना है कि एक्ट्रेस द्वारा उठाए गए इस कदम की तह तक पहुंचना जरूरी है। नूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और उनके इंस्टाग्राम पर 1,63,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। एक्ट्रेस ने 5 दिन पहले आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें वह एक सैड सॉन्ग पर कैमरे के सामने परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। पोस्ट के कैप्शन पर नूर ने लिखा था कि बस एक ही चेहरा है और वो है नूर मलाविका का चेहरा, एक चेहरा जो किसी और से मेल नहीं खाता। मुझे आईना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी खूबसूरती आपका ही रिफ्लेक्शन है, मेरा आईना दुनिया है। कभी वो प्यारी होती है तो कभी अच्छी, कभी बेवकूफ़ों भरी तो कभी चंचल, कभी शरारतों भरी तो कभी खुश मिजाज, कभी दयालु होती है तो कभी शांत, कभी आँख सी देखती तो कभी बचकानी। वैसे नूर की डेथ कैसे हुई इस पर कुछ ज़्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।